नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों, कई सारे लोगों ने कमेंट में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स शेयर की है, तो उस प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें अगर आपको वाइब्रेशन डिसेबल करना है तो कैसे करेंगे। मान लो अगर आपको मैसेज की जो भी नोटिफिकेशन आती है अगर उसकी वाइब्रेशन आपको ऑफ करनी है, तो उसके लिए आपको मैसेज के ऐप पर लॉन्ग प्रेस करना है, फिर ऐप इन्फो में जाना है और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशंस में, फिर यहाँ पे आपको जनरल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इसे डिसेबल कर दिया है, तो आप भी इसे डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे न्यू मैसेज में भी आपको ऐसे ही करना है, वाइब्रेट को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। और इसी तरीके से अगर आप मान लो जीमेल की भी वाइब्रेशन डिसेबल करना चाहते हो तो जीमेल पे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ऐप इन्फो में जाइए, नोटिफिकेशंस में जाइए, ईमेल में जाइए और फिर वाइब्रेट को यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। और इसी तरीके से अगर कोई भी ऐप हो, मान लो फिर यहाँ पे प्ले स्टोर होता है तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐप इन्फो में जाइए और फिर नोटिफिकेशंस में, यहाँ पे मेंटेनेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेट को मैंने यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है, फिर सेटअप में यहाँ पे मैंने ऑफ रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर ऐप की जो नोटिफिकेशंस आती है उनके वाइब्रेशन को आप डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके फ़ोन में जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हो या फिर मूवी प्ले करते हो कोई भी, या फिर गेम खेलते हो, तो ऐसे में आपको जो नोटिफिकेशंस है वो पॉपअप में आ जाती है। तो आपको इस पॉपअप नोटिफिकेशन को किस तरह से ऑफ करनी है ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप जब वीडियो प्लेबैक कर सको या फिर गेम खेल सको, तो उसके लिए आपको जाना है उसी ऐप में। अगर मान लो आप चाहते हो कि व्हाट्सएप की जो है पॉपअप नोटिफिकेशन ना आए, तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो में जाइए, फिर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में जाना है, फिर यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशंस में जाइए, यहाँ पे दिखाई देगा आपको शो एज पॉपअप, तो इसे आपको डिसेबल कर देना है। और उसी तरीके से आपको मैसेज नोटिफिकेशंस में जाके यहाँ पर भी शो एज पॉपअप इसे भी डिसेबल करना है। तो सारे ऐप्स में ऐसे पॉपअप्स होते हैं तो उनको आपको डिसेबल कर देना है। जैसे अगर आप बात करेंगे मैसेज की, तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो में जाना है, नोटिफिकेशंस में जाना है और यहाँ पे आप जनरल नोटिफिकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो शो एज पॉपअप इसे डिसेबल कर दीजिए, न्यू मैसेजेस में शो एज पॉपअप इसे डिसेबल कर दीजिए। तो आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर ऐप की जो पॉपअप नोटिफिकेशन है वो भी डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन में दो इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करने हुए तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल मैसेंजर में इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप जाते हो ड्यूल मैसेंजर में, यहाँ पे हालांकि मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम दिखाई देता नहीं है, क्योंकि शायद इसमें ड्यूल मैसेंजर इंस्टाग्राम के लिए सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन फिर भी आप दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना है सैमसंग मैक्स में। सैमसंग मैक्स में जाकर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अल्ट्रा ऐप्स, फिर आपको अल्ट्रा ऐप्स में यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो आप इस तरीके से जो दूसरा इंस्टाग्राम है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इसका शॉर्टकट रखना हुआ होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट शॉर्टकट, आपको उस पर क्लिक करना है और ऐड कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पे होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बन गया है, तो आपको डायरेक्ट इसे यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम होम स्क्रीन से ही ओपन कर सकते हो इस तरीके से। ये था मेरा दूसरा इंस्टाग्राम और यह है मेरा पहला इंस्टाग्राम। तो आप इस तरीके से दो इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से रैम को देखनी हुई कि कितनी स्टोरेज यूज़ हो रही है, कितनी रैम यूज़ हो रही है, और अगर आपको वन टैप में जो रैम है उसे ऑप्टिमाइज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक विजेट मिल जाता है। जब आप पिंच इन करते हो तो आपको यहाँ पे विजेट्स में जाना है और फिर यहाँ पे डिवाइस केयर में जाना है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो और उस पर क्लिक करना है, आपको इस दूसरे विजेट पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है यहाँ पे होम स्क्रीन पर और फिर आपको यहाँ पे बैक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कितनी स्टोरेज यूज़ हुई है, कितनी बची हुई है, कितनी रैम यूज़ हो रही है, और अगर आपको रैम फ्री करनी है, रैम ऑप्टिमाइज़ करनी है, तो आप यहाँ पे वन टैप में अपनी जो रैम है वो क्लीन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो रैम होगी क्लीन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज़ होने के बाद यहाँ पे 2.6 GB यूज़ हो रही है, पहले जो 3.6 GB यूज़ हो रही थी। फिर दोस्तों, कई सारे लोग कुछ हैंगिंग इशू या लैगिंग इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कोई बता रहा है जब फ़ोन जब अपने आप लॉक हो जाता है जब वो क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं,
और फिर जब फ़ोन को अनलॉक किया जाता है तो क्रोम रिस्पॉन्ड करता नहीं है, जो स्क्रीन है स्टक हो जाती है कुछ समय के लिए, और फिर आपको लॉक करके अनलॉक करना पड़ता है, तब जाके वो रिस्पॉन्ड करता है। और फिर कई सारे लोग जो है चार्जिंग इशू फेस कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है कभी कभी चार्जिंग के लिए। तो ऐसे में आपको एक मेथड ट्राई करनी है, हालांकि ये कोई रिस्की मेथड नहीं है, आपको सिर्फ 1-2 मिनट देना है। अगर इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसे करना कैसे दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। दोस्तों स्विच ऑफ होने पर फिर आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है, और फिर जैसे लोगो दिखाई देगा आपको उंगलियाँ छोड़ देनी है। फिर आपका जो ये फ़ोन है रिकवरी मोड में जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा वाइप कैश पार्टीशन। तो वॉल्यूम डाउन से आपको यहाँ पे नीचे लेके आना है, वाइप पार्टीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको इसे सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन का यूज़ करना है, और फिर नो पे है अभी, इसे एस पे लाना है, नीचे लाना है। तो नीचे करने के लिए वॉल्यूम डाउन, एस पे, और फिर पावर बटन कंफर्म करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे अपना जो सिस्टम है रिबूट करना है, तो रिबूट पे है, तो अभी आपको सिर्फ पावर बटन प्रेस करना है। तो अब आपका फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो शायद सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में कोई भी चार्जिंग इशू या फिर कोई भी हैंगिंग इशू फेस नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मेथड आपके लिए काम करती तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। अगर इस मेथड से अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने सैमसंग गैलेक्सी M31S में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।